बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 3.1 में अब क्वेश्चन नंबर ए पार्ट थ्री में ए पार्ट ये जो है इससे शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्स प्लस आर को टेंजेंट वाई। ठीक है, ये वाई इक्वल, ठीक है, और डबल सेकंड डेरिवेटिव मांग रहे हैं, मतलब डबल बार इसका डेरिवेटिव लेना होगा। अच्छा, अब ये क्या है, देखिए आर असल में क्या है, आर टेंजेंट, ये फर्स्ट ईयर में भी था कि आर टेंजेंट असल में है इनवर्स टेंजेंट। ठीक है, तो ये आर्क टेंजेंट ये इनवर्स है। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये वन आ जाता है प्लस। अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद हो, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स नहीं है, ये वाई है, तो वाई स्क्वायर, और दोबारा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये वाई है, तो दोबारा हम वाई का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अच्छा ये वन, ठीक हो गया, प्लस, अच्छा वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया, और डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे। अच्छा, अगर मैं इसको ये जो है ये वाला, इसको मैं इस साइड कर लूँ तो डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स ये प्लस है, तो ये माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डिवाइड बाई, अच्छा सी पार्ट को देख ले, सी पार्ट में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, और वाई डबल प्राइम मालूम करो। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए कि जिसको डेरिवेटिव आता है ना, तो देखिए वो इसको कर सकेगा, टू एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे टू वाई डॉट वाई प्राइम, क्योंकि पावर और बेस पावर से एक माइनस, और दोबारा बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई प्राइम आएगा। ठीक है, माइनस, अच्छा टू को बाहर करेंगे, इस एक्स और वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ प्लस सेकेंड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन आता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते। ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। अब देख ले, अब टू वाई डॉट वाई प्राइम माइनस, अच्छा टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स डॉट वाई प्राइम प्लस टू वाई, ठीक हो गया, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, अच्छा इस टू एक्स टू वाई को मैं इस साइड कर लूँगा, तो देखिए टू वाई डॉट वाई प्राइम माइनस टू एक्स डॉट वाई प्राइम इज इक्वल टू प्लस है इधर, तो इस साइड हो जाएगा टू वाई हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर आप इसको देख ले, इससे अगर मैं वाई प्राइम को कॉमन ले लूँ तो ये टू, अच्छा टू टू वाई माइनस टू एक्स ये रह जाएगा इक्वल टू माइनस टू वाई। अच्छा, अगर मैं टू वाई माइनस टू एक्स पे इधर भी डिवाइड कर लूँ, टू वाई माइनस टू एक्स इधर भी डिवाइड कर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस टू वाई डिवाइड बाई टू वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, अब देखिए आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो अगर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए माइनस टू वाई डिवाइड बाई टू वाई माइनस टू एक्स, इस पर डेरिवेटिव, अगर आपको क्वेश्चन रूल आ रहा है तो आप इसको कर सकेंगे, इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लो, आप इसको कर सकेंगे, बहुत आसान इजी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, मुश्किल नहीं है, अगर कोई मसला हो तो बेशक आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसमें इस तरह कर लेता हूँ, ये डी नंबर पार्ट देख ले, डी नंबर पार्ट में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसके बहुत से तरीके हैं, अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बी स्क्वायर से तो भी कर सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर डॉट ए इनवर्स, ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा पावर, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बी की पावर माइनस टू हो जाएगी, और ये माइनस वन अपनी जगह पर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते, माइनस और इससे बचना चाहते तो आप इस तरह कर लें, चले इस तरह भी कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे,
नहीं इस तरह कर ले, मल्टीप्लाइंग देखिए बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया। तो देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर के साथ, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ, तो इससे आपको ये मिलेगा बी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट ये क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, अब इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि ये देखिए अगर आप ये ए बी देखिए ए बी को देख ले, अगर बी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, इसको अगर मैं इस साइड कर लूँ देखे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो इस पे जब आप डेरिवेटिव लगाएंगे तो डी डिवाइड बाई डी एक्स, अब डेरिवेटिव लगा ले बी स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देख ले अब बी को हम बाहर कर सकते क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर कर सकते हैं, तो बी बाहर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे इस पे एक्स पे तो ये हो जाएगा ये टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब ए स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं और डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स किस पे लगाएंगे वाई स्क्वायर पे और ये इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा टू एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा इस पे क्या डेरिवेटिव हम लगाएंगे इस पे डेरिवेटिव तो पावर रूट हो जाएगा, पावर रूट बेस पावर से एक माइनस और दोबारा डेरिवेटिव किसका लेंगे बेस का, तो ये वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लें टू एक्स बी स्क्वायर प्लस ये देख ले टू वाई ए स्क्वायर डॉट वाई प्राइम इक्वल टू क्या जीरो। अब अगर मैं इसको इस साइड कर लूँ टू वाई ए स्क्वायर डॉट वाई प्राइम इक्वल टू इसको मैंने साइड कर माइनस टू एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड भी कर लूँ इस पे डिवाइड भी कर लूँ टू ए टू वाई ए स्क्वायर पे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा टू वाई ए स्क्वायर पे। अब ये और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू माई अच्छा ये टू टू के साथ कैंसिल ये माइनस एक्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई वाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा लेकिन क्या अप्लाई करना होगा क्वोशेंट रूल अप्लाई करना होगा, कुछ भी नहीं देखे क्वोशेंट रूल अप्लाई करेंगे ना तो आप इस तरह कर ले a इस तरह करेंगे कि a और b इज अ कांस्टेंट तो आप इसको बाहर करेंगे कांस्टेंट से तब आप इसको कर सकेंगे। a और b जब भी डेरिवेटिव आप लेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट में तो आप याद रखिएगा कि b को बाहर करेंगे, अगर अगर x ना हो सिर्फ b आ जाए तो आप इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में x एक्स ना हो इसलिए। अच्छा अब इसी तरह मैं आगे थोड़ा चाह के इसमें एक और पार्ट कर लेता हूँ। चले इसमें जो ई नंबर पार्ट है इतना मुश्किल नहीं है, लिंती है, आपको बता रहा हूँ लिंती है लेकिन मुश्किल नहीं, आप देख ले किसी स्टेप को स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है तो अब हमको इससे पिक्चर ले ले आप मुझे सेंड कर ले मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ये जो पार्ट है एफ नंबर ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको मैं कर लूँगा, ठीक है, इसको मैं खुद सॉल्व कंप्लीट सॉल्व कर लूँगा आपके लिए, ठीक है। एफ नंबर पार्ट को देखे देखे ई की पावर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस वाई, अब इसमें क्या है, अच्छा अब यहाँ तक पहुँच गए, अगर आप इसको देख लें इसको देख लें ये वाला और ये वाला तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ये देखिए इसके साथ ही आ रहा है, ठीक है, ये इसके साथ ही आ रहा है, मैं इसमें सेटिंग कर लूँगा, ठीक है, फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला टू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ई की पावर वाई और ये ई की पावर एक्स अपनी जगह पे, ठीक है, सेम केस यही पे होगा माइनस ई की पावर वाई, ये भी फार्मूला है ई की पावर टू एक्स प्लस वन प्लस टू ई की पावर एक्स, ठीक हो गया, इसी का इसी के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो किस तरह हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस टू वाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ई की पावर एक्स है ना ये इस सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस, अच्छा इसको अगर मैं इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लूँगा माइनस ई की पावर
ई की पावर वाई प्लस टू एक्स, ठीक हो गया, माइनस ई की पावर वाई माइनस टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये रह गया। ठीक, अगर आप इसमें देख लें तो ई की पावर एक्स प्लस वाई ये और ई की पावर एक्स माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, ये देखे ये रह गया। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर टू वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई डॉट ई की पावर टू एक्स। अगर देख लिया, अगर मैंने इसको जो है ना, इसको इसको ये जो है इसको इसको मैंने इस तरह लिख लिया, क्योंकि अगर आप देख ले तो इसको मैं जब बेसिस सेम तो पावर को ऐड करूँगा तो दोबारा यही फॉर्म आ रहा है। ठीक है, माइनस ई की पावर वाई, ठीक हो गया यहाँ तक तो।